19 जून 2022 को मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा की और जनसभा में हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हिंदू होने का मजाक उड़ाया और साथ ही यहां तक कह दिया कि वो आके कलमा पढ़े। इस अपमान को हम सह नहीं सकते क्योंकि हम सबके वो प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया है मौलाना तौकीर रजा खान ने। आज इसी के विरुद्ध मैंने एक प्रार्थना पत्र शहर कोतवाल को और अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली को दिया है कि मौलाना तौकीर के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसी भाषण में मौलाना तौकीर ने कहा कि हम इस देश के किसी भी को ज्ञापन नहीं देंगे, यानी ना तो उसे इस सरकार पर भरोसा है ना देश के संविधान पर भरोसा है। वो कह रहे हैं कि हम इस अपनी बात को UNA में ले जाएंगे। UNA में ले जाने का मतलब ना तो देश पर भरोसा है ना देश के संविधान, और कहते हैं हिंदू ट्रेन जलाते हैं। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जाती है कि हमारे मुस्लिम ट्रेन नहीं जलाते, यानी हिंदू मुस्लिम युवाओं को ट्रेन जलाने के लिए उकसा रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। इसीलिए ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। UNA ले जाना देश की संपत्ति को जलाने के लिए उकसाना बच्चों को। मैं इस वीडियो के माध्यम से तुरंत कार्रवाई की मांग करता हूं। मैंने जो प्रार्थना पत्र, यदि मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं की गई तो मंदिर के गेट पर आने वाले समय में बहुत जल्द आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। ओम शाही राम।